हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में जो बाढ़ आया हुआ है 10 जिला में, ठीक है, और उसमें जो भी नुकसान हुआ है उसका पैसा अब बिहार सरकार देगी, ठीक है। नुकसान में किसी कितना मिलेगा पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाढ़ प्रभावित परिवारों को दिए जाएंगे 6,000 रुपये, ठीक है। राज्य के बाढ़ ग्रस्त इलाकों के हर एक प्रभावित परिवार को सरकार की ओर से 6,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही बाढ़ के कारण जिनका कच्चा मकान, पक्का मकान नष्ट हो गया है, टूट गया है, या जिनकी फसल बर्बाद हो गया है, ठीक है, सरकार उन्हें भी सहायता देगी। इसके अलावा अगर किसी का पशु का भी नुकसान हुआ है तो उसका भी पैसा सरकार देगी, ठीक है। प्रभावितों को सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को अविलंब सूची तैयार करने के लिए कहा है कि जो भी प्रभावित हुआ है, जो भी परिवार से मतलब क्षतिग्रस्त है, ठीक है, तो उसे जिला को बोला है कि आप इसका लिस्ट बनाएं ताकि हम लोग मदद कर सकें, ठीक है। बिहार में अभी 10 जिलों में टोटल 7,65,000 अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इनको सहायता देने के लिए आपदा प्रबंधन ने लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाने का निर्देश जिलों को दिया है, ठीक है। विभाग ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के सभी परिवारों को सदस्य के अनुदान यानी GR मद से 6,000 रुपये दिए जाने के लिए कहा गया है, ठीक है। इसके लिए प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जाए, ठीक है, जो कि मतलब पैसा देगा तभी तो देगा पैसा, जबकि उसका लिस्ट तैयार हो जाएगा कौन से एरिया में, मतलब कि मान लीजिए कि एक जिला है, उस जिले में कितने परिवार जो है ना इस बाढ़ में प्रभावित हुए हैं, उसके हिसाब से पैसा उसको दिया जाएगा, ठीक है। परिवार की सूची तैयार की जाए, प्रभावितों के नाम पता के साथ बैंक खाता भी लिया जाएगा। प्रभावितों को 6,000 सीधे खाते में हस्तांतरित होगा ताकि कोई बिचौलिया बीच में ना आए। पैसा जो है ना, जो भी परिवार इस बाढ़ से प्रभावित है उसको DBT के माध्यम से डायरेक्ट पैसा उसके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई पैसा आके बांटेगा और आधा खाएगा, ठीक है, बस यही बात इसमें कहा गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाढ़ से नुकसान पर दी जाएगी मदद। बाढ़ ग्रस्त इलाके में हुए अन्य नुकसान में भी लोगों को सरकार सहायता देगी। फसल क्षति से लेकर मकान व पशु नुकसान को भी सहायता का प्रावधान है। जिले को कहा गया है कि वह क्षतिग्रस्त मकानों के साथ ही फसल नुकसान का भी ब्यौरा तैयार करे। फसल नुकसान का विवरण कृषि विभाग के माध्यम से तैयार होगा, ठीक है। जो भी फसल आपका नुकसान हुआ उसका जो है ना विवरण जो है ना उसका लिस्ट, उसका सूची वो कृषि विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने यथासंभव प्रभावितों की सूची बनाने को कहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द सहायता राशि दी जा सके। वही बाढ़ में जिनका गाय, भैंस, बकरी से लेकर मुर्गा का भी नुकसान हुआ है तो सरकार उन्हें भी सहायता देगी, ठीक है। तो सरकार ने साफ साफ कहा है कि जितना जल्दी हो सके सबका लिस्ट बना के दे दिया जाए ताकि उनको जल्द से जल्द मदद पहुँचा दिया जाएगा। कपड़ा और बर्तन के नुकसान होने पर भी सभी परिवारों को सहायता देने का प्रावधान है। बिहार में अभी 10 जिले हैं, ठीक है, जो भी जिला प्रभावित है बाढ़ से वो 10 जिला का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पहला देख सकते हैं, सीतामढ़ी है, शिवहर है, सुपौल है, किशनगंज है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, गोपालगंज है, खगड़िया है, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। ये सब जो है ना बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है। इन जिलों में अभी 7,65,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इन प्रभावितों को सहायता देने के लिए आपदा प्रबंधन ने लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाने का निर्देश जिलों को दिया गया है, ठीक है। कि मतलब इसमें बोला गया है कि आप जल्द से जल्द लिस्ट बना लेंगे किस फैमिली में कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से आपदा प्रबंधन विभाग उसकी मदद करेगी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नुकसान होने पर इन मदों से मिलेगी सहायता। 6,000 रुपये नकदी हर एक परिवार को दिया जाएगा, ठीक है, जो भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है, और 1,800 रुपये कपड़ा मद से, जो कि कपड़ा किसी का खराब हो गया होगा, जो कपड़ा मतलब पानी में बह गया होगा उसका पैसा दिया जाएगा, ठीक है, और 2,000 रुपये बर्तन के लिए दिया जाएगा, और 6,800 रुपया प्रति हेक्टेयर फसल, जो भी आपका 6,800 रुपया जो मिलेगा वो आपके ज़मीन के हिसाब से मिलेगा कि आपका ज़मीन कितना है और कितना फसल नुकसान हुआ है, ठीक। उसके बाद 30,000 प्रति गाय भैंस में, ठीक है, जिसका मतलब 30,000 रुपया होगा एक गाय का या भैंस का, ठीक है, उस हिसाब से 30,000 रुपया दिया जाएगा, और 3,000 प्रति बकरी, भेड़ और आदि के लिए, ठीक।
तो इसमें आपको 3,000 रुपये एक बकरी का मिलेगा, भेड़ का मिलेगा और जो भी आपके पास पशु है उसका मिलेगा, और 25,000 रुपया प्रति घोड़ा पर, मतलब कि एक घोड़ा अगर आपके पास है तो 25,000 रुपया एक घोड़ा का मिलेगा, अगर आपका घोड़ा नुकसान हो गया या कहीं भाग गया है या पानी में बह गया है तो। और इसमें देख सकते हैं आप 50 रुपये प्रति मुर्गा अधिकतम 5,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब कि अगर आपके पास 50 मुर्गा है तो आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा और एक मुर्गा का आपका आपको 50 रुपया दिया जाएगा। फिर 95,100 कच्चा या पक्का मकान का दिया जाएगा और 5,200 रुपये जो है आपका पक्का मकान का दिया जाएगा और 3,200 रुपये कच्चा मकान का दिया जाएगा और 4,100 रुपये झोपड़ी के लिए दिया जाएगा और 2,100 रुपया जानवर के शेड नुकसान। अगर मान लीजिए कि आपका कहीं पे जानवर का रहने का बंदोबस्त था और वो घर टूट चुका है तो उसके लिए भी सरकार ये प्रावधान निकाल दिया है कि आपको उस शेड के लिए, मतलब कि उस घर के लिए 2,100 रुपया दिया जाएगा। और ये पैसा जो भी दिया जाएगा ये DBT के माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसे आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया, क्योंकि यहाँ से बोला गया है कि अभी लिस्ट तैयार करने के लिए, जब लिस्ट तैयार कर लगा तो आप पता कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा आया है। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें और सिंपली टाइप करें PFMS। जैसे आप PFMS टाइप करेंगे तो यहाँ पे इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप PFMS.NIC.IN, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसका वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको डायरेक्टली नो योर पेमेंट्स पे आ जाना है, ठीक है। जो भी सरकारी पैसा आता है तो इसी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जो कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ठीक है। नो योर पेमेंट्स पे क्लिक करना है और नो योर पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना बैंक नाम डाल देना है। बैंक नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म करने के लिए आपको दोबारा अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद जो भी कैप्चा शो कर रहा है आपके फोन में उस कैप्चे को फिल करके आपको सर्च पे क्लिक कर देना है, तो आपको नीचे में शो कर जाएगा कि आपका कितना पैसा आया है। सिंपली आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे जो भी सरकारी फंड से पैसा आता है सिंपली यहाँ पे अपडेट रहता है, तो यहाँ पे आप आकर के चेक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका पैसा आ गया होगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा, अगर आपका पैसा नहीं आया होगा तो आपका शो नहीं करेगा, तो फिर आप बैंक में पता कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से मिस कॉल मार के पता कर सकते हैं, या अगर UPI यूज करते हैं आप फोनपे गूगल पे तो उससे ही पता कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है नहीं आया, वहाँ पर आपका पैसा शो कर जाएगा। क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं लिया गया है कि कब पैसा भेजा जाएगा, लेकिन जल्द ही पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ पैसों की बहुत दिक्कत होगी, और सरकार ये चाहेगी कि जिला जल्द से जल्द लिस्ट बना के सरकार को सौंप दे ताकि लोगों की मदद जल्दी हो जाए, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी पैसों की और खाने पीने की बहुत दिक्कत होगा, तो जितना जल्दी हो सके सरकार आपको पैसा भी दे दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा और आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो तुरंत देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।